लेपर्ड का फीडिंग एरिया जहाँ पे लेपर्ड्स को फीड किया जाता है। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज मैं फिर से आप लोगों को लेके आया हूँ एक ऐसी जगह जिसका नाम है चिड़ियाघर। गैंगटॉक का जू आपका एग्जैक्टली गणेश टॉक के ऑपोजिट में है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो रहा आपका मेन गेट और वहाँ से आने के बाद में ये रहा आपका टिकट काउंटर। यहाँ से जू शुरू होता है तो हम चलते हैं। दोस्तों यहाँ का चिड़ियाघर एकदम खुला खुला सा पूरा जंगल है। और भी ऊपर जाना है हमें, लेकिन उससे पहले बीच रास्ते में यहाँ पे ब्लैक बियर को रखा गया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एनिमल है जो कि ब्लैक बियर है, उसके बाद हमें फिर से ऊपर की ओर जाना होगा। तीन भालू है जो मुझे दिखा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ एक भालू रखा गया है और बाकी के एनिमल्स ऊपर में हैं। हमारा पीकॉक, इसका कॉक काफी कम है। तो ये है हिमालयन वल्चर। ओह माय गुडनेस। दोस्तों मैं मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उस वजह से शायद मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने का। दोस्तों ये है गोरल पहाड़ी बकरी, काफी सारे हैं यहाँ पे। सब एनिमल्स होला तपाईले नै फिड गर्नुहुन्छ कि? हैन, सबै एनिमल्स को आफ्नो आफ्नो छ नि। मेरो चाहिँ यो कमन लेपर्ड मात्रै हो कि खासमा? हजुर। अनि त्यो बर्ड्समा चाहिँ अल्टरनेटिभ त्यो के रे उसको छुट्टी हुन्छ नि त, अनि आफ्नो मैले कभर गर्नुपर्छ। ए हे, ए कमन लेपर्डले मात्रै फिड गर्नुहुन्छ तपाईँले? तो दोस्तों अभी हमें एक आज्ञा मिले है जो जू कीपर है, जू को देखते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं लेपर्ड को फीड करते हुए देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ जू के जो स्टाफ है उन्हीं को अलाउड है, लेकिन आगे हमें मिले तो वो मुझे दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये काफी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों। लेपर्ड को नाम से क्यों आगे? तूफान र सिद्धू। सो दोस्तों यहाँ पे दो लेपर्ड है, उसमें से एक का नाम है तूफान और दूसरे का नाम है सिद्धू। तो आप देख सकते हैं इसको नाम आ गया तूफान, तूफान तूफान तूफान। माय गुडनेस, यो केटी हो कि केटा आ गया? मेल। इसका नाम तूफान बन भाग है। सो दोस्तों इसका नाम तूफान है और एक एक ये एक मेल लेपर्ड है। सब वहां पे देख सकते हैं
दोस्तों वहाँ पे है, और एक लेपर्ड जिसका नाम है सिद्धू, तो वो एक फीमेल लेपर्ड है। मासू जी क्या बोला क्या? बीफ, बीफ मटन चिकन। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे लेपर्ड को बीफ मटन और चिकन फीड किया जाता है। So, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है लेपर्ड का फीडिंग एरिया जहाँ पे लेपर्ड्स को फीड किया जाता है और इन्हें खाने में मटन बीफ और चिकन दिया जाता है। आज उसे कितने दिन हुआ क्या? बीफ। तो आज लेपर्ड का लंच है बीफ। अंत दुईजना को खाना आगे एउटाले खाइदिदिनु अंत सब ए हज हज हस दोस्तों ये फीमेल लेपर्ड काफी एग्रेसिव है, तो आप देख सकते हैं। ओए सिद्धू, दोस्तों ये है सिद्धू और ये एक फीमेल लेपर्ड है और काफी एग्रेसिव है। दोस्तों ये काफी एक अलग और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जू में आके आप जानवरों को फीड करें ये सिर्फ यहाँ के जो जू के स्टाफ्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउड होता है, लेकिन फिर भी मुझे आज्ञा ने परमिशन दिया और मैं उनके साथ गया और मैंने लेपर्ड को फीड करते हुए देखा। तो अभी फिलहाल मेरे पीछे है रेड पांडा जो कि एक स्टेट एनिमल भी है। मैं थोड़ा सा हाँप रहा हूँ दोस्तों, तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि ये जू कम और जंगल ज़्यादा है, तो उस वजह से आपको काफ़ी चलना होगा। तो फिलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ रेड पांडा जो कि पेड़ के ऊपर है। शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको और थोड़ा क्लोज जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने कभी ट्रैकिंग नहीं किया है तो गैंगटॉक का जू आने के बाद आप लोगों को एक ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ते ही कुछ इस तरह से हैं कि आप थोड़े बहुत थकेंगे ज़रूर। तो दोस्तों मैं मेन रोड पे आ पहुँचा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है जू का एग्ज़िट का रास्ता। तो अगर आप जू के अंदर आते हैं तो आपको एग्ज़िट इस रास्ते से करना होगा और रास्ता काफ़ी ख़राब है, ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है। आज के वीडियो में भी यही था, तो अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।